अब अपन चलते हैं थोड़े से डायग्राम के अंदर। ये डायग्राम्स अपन टीसीपी के अंदर बहुत ज्यादा यूज करेंगे, तो एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। डायग्राम्स फॉर RDT 3.0। तो सबसे पहला केस है नो लॉस, जहां पे हमारा डाटा का कोई लॉस नहीं है। ये है हमारा सेंडर, ये हमारे रिसीवर, ये हम लगाएंगे बार। ये एक तरह का टाइमिंग डायग्राम, ठीक है। ठीक डाउन द लाइन टाइम इंक्रीजेज, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। ये मैं साइड में लिख देता हूं, एक मिनट। हाँ, ये है मेरा सेंडर, ये है मेरे रिसीवर, यहाँ पे डाउन डाउन द लाइन टाइम इंक्रीजेज, ठीक है। तो सबसे पहला केस है नो लॉस, यहाँ पे क्या होगा, सेंड पैकेट 0, कुछ टाइम के बाद इसको ये मिल जाएगा। ये क्या करेगा, सेंड एक्नॉलेजमेंट 0, फिर यहाँ पे आएगा कुछ टाइम के बाद इसको क्या मिलेगा, सेंड पैकेट 1। तो यहाँ पे पैकेट 1 आ रहा है, पैकेट 0 जा रहा है, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर 0 जा रही है, जीरो आ रहा फिर यहाँ पे पैकेट नंबर 1 है, पैकेट जाएगा, वन सेंड सेंड एक्नॉलेजमेंट वन। एक्नॉलेजमेंट, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 आएगी, एंड सो ऑन। फिर वापिस पैकेट नंबर 0, ठीक है, फिर वापिस एक्नॉलेजमेंट नंबर 0, एंड सो ऑन, ठीक है। ये चलता रहेगा, सिंपल केस, ज्यादा कुछ नहीं है। केस नंबर 2, जहाँ पे अपना पैकेट लॉस हो रहा है वाइल ट्रांसमिशन। पर तुमने पैकेट जो तुमने केस नंबर ए में बोला उसमें तुमने बिट एड्रेस कंसीडर नहीं किया, नहीं हो रहे हैं। पैकेट क्या कंसीडर नहीं किया, लॉस तो नहीं हो रहा है, बिट एरर भी कंसीडर नहीं किया, करप्ट नहीं हो सकता क्या? करप्ट हाँ करप्ट हो सकते हैं, लेकिन वाला हम वो डायग्राम नहीं डायग्राम हो नहीं रहा है देखेंगे, तुमने। ठीक वो डायग्राम नहीं देख रहे हैं हम यहाँ पे करप्ट है, वाला, क्योंकि हम RDT 2.0 के अंदर अच्छे से कवर कर चुके हैं, इसलिए हम वो केस यहाँ पे हैंडल नहीं कर रहे। ठीक है। मतलब हैंडल करने का मतलब है डायग्राम में नहीं दिखा रहे, लेकिन हैंडल हो रहा है इंटरनली, ठीक है। तो ये अपना हो गया सेंडर, सेंडर हमेशा लेफ्ट में बनाते हैं, रिसीवर हमेशा राइट में होगा, ठीक है। तो इसने भेजा पैकेट 0, ये पहुंच गया सही सलामत। इसने भेजा एक्नॉलेजमेंट 0, ये पहुंच गया सही सलामत। ठीक इसने है, पहुंच भेजा पैकेट 1, पैकेट 1 गया कर गया सही ड्रॉप, सलामत। ये अच्छा ड्रॉप ठीक कर गया। कुछ टाइम के है, बाद यहाँ पे होगा टाइम आउट, ठीक है, ठीक ये वापस भेजेगा पैकेट 1, यहां से आएगी एक्नॉलेजमेंट एक्नॉलेजमेंट 1, वन। फिर ये वापिस भेजेगा पैकेट 0, फिर एक्नॉलेजमेंट 0, एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा ऐसे, ठीक। और अगर कोई डाउट, एक्नॉलेजमेंट जीरो ड्रॉप हो गई होती तो। अच्छा, वो अभी करेंगे ना कवर। अभी तुमने एक ही साइड का ड्रॉप दिखाया तीसरा, जहां पे अपनी एक्नॉलेजमेंट 1 ड्रॉप हो गई, है। ठीक तो अपना पैकेट 0, एक्नॉलेजमेंट 0, पैकेट 1, है, एक्नॉलेजमेंट 1, जो कि ड्रॉप हो चुकी है। तो देख, ये अपना स्टेट 0 में जा चुका है अभी यहाँ पे, मतलब ठीक ठीक है, ये ध्यान में है, तो वो कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पे अपना टाइम आउट होगा, ये वापस पैकेट 1 भेजेगा। बात, सामने वाले क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट 1 या एक्नॉलेजमेंट 0? वो एक्नॉलेजमेंट वन भेज के आपने वो स्टेट में जा चुका है, एक्नॉलेजमेंट जीरो वाले स्टेट में। हाँ, तो रिसीवर का हमने देखा था, रिसीवर काम करेगा, यहाँ पे हम एक्नॉलेजमेंट 1 भेज रहे हैं। हाँ ठीक है, वो पैकेट जी उसको वापस से, वो जीरो स्टेट में है, उसको पैकेट वन मिला तो एक्नॉलेजमेंट वन भेज देगा। ठीक बात, हाँ, तो यहाँ पे सेंड टू एप्लीकेशन होगा, यहाँ पे सेंड टू एप्लीकेशन होगा, यहाँ पे सेंड टू एप्लीकेशन नहीं होगा, क्योंकि नहीं होगा, एप्लीकेशन को एक बार पैकेट मिल चुका है। सही बात। और फिर वापिस पैकेट 0, एक्नॉलेजमेंट 0, सो ऑन, सिंपल। केस नंबर डी, जहां पे हमारे पास प्री मेच्योर टाइम आउट हो गया, जो कि गंदा केस था।
वो बोला था ना कि हमारा टाइमर कुछ ज्यादा ही छोटा है, वो वाले केस हमने अभी तक कवर नहीं किया, वो यहाँ पे कवर होगा। तो ध्यान से देखना, ये हमारा सेंडर, ये हमारा रिसीवर, ठीक है। तो मान लिया ये मेरा पैकेट नंबर 0 गया, ये मेरा एक्नोलेजमेंट नंबर 0 आया, ठीक कोई है, बड़ी बात? कोई बड़ी बात नहीं। नहीं ये मेरा पैकेट नंबर 1 आया, और मान लिया ये तो था मेरा टाइम आउट। एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट 1 आने से पहले ही टाइम आउट हो गया, हाँ, और जो मेरी उसके बाद एक्नॉलेजमेंट 1 है एक्नॉलेजमेंट वो यहाँ पे आई। आया। यहाँ पे देखो, एप्लीकेशन को मिल चुका है पैकेट नंबर 0, एप्लीकेशन को मिल चुका है पैकेट नंबर 1। मोबाइल यहाँ पे क्या होगा, T1 भेज दिया पैकेट फिर वन से। वापिस आएगा। तो रिसीवर क्या कर रहा है, रिसीवर अभी 0 के लिए वेट कर रहा है, उसको मिला पैकेट 1, तो क्या करेगा रिसीवर? वो 0 रिसीवर को मिला पैकेट 1, और वो 0 वो A1 फिर से भेजेगा। A1 ये फिर से भेजेगा। अब यहाँ पे आते हैं, इसको A1 मिल चुका है, तो ये क्या भेजेगा? पैकेट 0, इसको पैकेट 0 भेजेगा। ठीक है। हाँ तो यहाँ पे देख, कैसे बताऊं, वेट इन 0 ये था, यहाँ पे भी वेट इन 0 इस पॉइंट तक। अब ये कर रहा है वेटिंग 1, नहीं रुक, वेट इन 0 था, वेट 0 हो चुका है, यहाँ पे वेट इन 1 था, यहाँ पे वेट वेट इन 0 वन स्टेट की तो था। खत्म हो हाँ गई थी। ठीक है, ये तो ऐसा वेट था, इन वन लिखना था, था वो वेट इन टाइम 1 आउट हो यहाँ से गया, लेके यहाँ तक था। अब यहाँ पे चल मतलब रहा है दूसरी वेट बार इन टाइम 0। आउट नहीं हुआ, दूसरी बार उसको A1 मिल गया है। हाँ, तो देख वहां पे अगर हम रिट्रांसमिशन कर देते, अगर, तो समस्या हो जाती। समस्या हो जाती कहाँ या पे नहीं हो जाती? रिट्रांसमिशन कर देते? अगर मेरे को एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 आई, मैं 0 के लिए वेट कर रहा हूं और मैं रिट्रांसमिशन कर रहा हूं, तो उस केस में क्या होता है? मैं 0 में वेट कर रहा हूं, मेरे को एक्नॉलेजमेंट नंबर 1 आई, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा पैकेट 0 ड्रॉप कर चुका है। इसका जरूरी मतलब ये नहीं हो है सकता कि है कि ये डिलेड एक्नॉलेजमेंट है, ये भी इसका मतलब हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ ना करूं तो भी मेरा काम चल जाएगा, एज लॉन्ग एज मेरा टाइमर एक्सपायर नहीं हुआ। समझ आया? ठीक बात है। आया तो अभी अपन चलते हैं थोड़ा परफॉर्मेंस मेजर के अंदर। हाँ, तो अब तक हमने क्या कवर कर लिया? अगर हमारे पास बिट एरर्स हो, ये हमने कवर कर ली, हमारा पैकेट ड्रॉप हो, ये हमने कवर कर लिया। तो बेसिकली हमने आईपी लेयर के ऊपर एक रिलायबल सिस्टम बना दिया है इन प्रिंसिपल। सही बात है कि ठीक है। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। तो टीसीपी जो है वो डिट्टो नहीं बोलूंगा मैं, मतलब प्रिंसिपल सेम है टीसीपी के, बट वो कुछ और चीजें भी हैंडल करते हैं। तो जब हम टीसीपी करेंगे तो और ज्यादा डिटेल के अंदर जाएंगे कि एक्चुअल में कैसे इंप्लीमेंट हुआ है, लेकिन टीसीपी मोटा मोटा ऐसे ही काम करता है। ठीक है। ठीक है, तो इसकी परफॉर्मेंस एक बार चेक करते हैं। तो एक होता है राउंड ट्रिप टाइम, RTT, राउंड ट्रिप टाइम, ये क्या बोलते हैं? तो ये मेरा सेंडर था, ये मेरा रिसीवर था। सेंडर ने कुछ भेजा, यहाँ पे रिसीवर ने कुछ प्रोसेसिंग किया और यहाँ पे अपना रिप्लाई आया, तो ये है अपना राउंड ट्रिप टाइम। ठीक हमने कुछ डाटा भेजा, उसके एक्नॉलेजमेंट आने में कितना टाइम लगा? ठीक, अब हो सकता है हमारा डाटा बड़ा था, बड़ा डाटा था तो उसको जाने में कुछ टाइम लगेगा। मान लिया ये मेरा डाटा है, जाने में टाइम लगा और रिसीव होने में भी टाइम लगा। तो इस केस में हमारा जो RTT है वो हमारा ऐसे डिफाइंड है, लास्ट बिट हमने जो छोड़ी उससे एक्नोलेजमेंट आने तक की, ये हमारा हो जाएगा RTT। ठीक है, ठीक बढ़िया। तो लेट्स से पैकेट लेंथ अपनी कितनी है, L बाइट्स,
नेटवर्क स्पीड, नेटवर्क स्पीड या ट्रांसफर करने की स्पीड जो भी है, वो अपनी बाइट्स पर सेकंड, ठीक ये हमारा टाइम टी टी वन ले ले, ये हमारा टाइम ले ले टी टू। तो टी वन विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड एल अपॉन एम, ये होगा। बढ़िया, ठीक ये हो गया हमारा ट्रांसमिशन टाइम, ठीक है। एम की जगह इसको आर ले ले ताकि थोड़ा आसानी रहे, ये हो गया अपना एल अपॉन आर। यूटिलाइजेशन कितनी होगी? यूटिलाइजेशन होगी हमने टी वन प्लस आर टी टी में से कितना टाइम हमने नेटवर्क का यूज किया है। हमने टी वन जितना टाइम नेटवर्क के अंदर यूज किया है, ये है अपना परसेंटेज यूटिलाइजेशन। और वापस यहाँ पे रिट्रांसमिशन होगा, फिर इतने आर टी टी का वेट करना पड़ेगा, एज्यूमिंग आर टी टी अपना कॉन्स्टेंट है, तो हमारी परसेंटेज यूटिलाइजेशन इतनी ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो मान लिया कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक जीबीपीएस की लिंक है, हमारे पास 8000 बिट का पैकेट है। दिस इंप्लाइज टी वन की वैल्यू कितनी है? टी वन की वैल्यू है 8 × 10³ अपॉन 10⁻९, दिस इज इक्वल टू 8 माइक्रो सेकेंड। और हमारा मान लिया आर टी टी जो है अपना 30 मिली सेकेंड का है, 30 ms। दिस इंप्लाइज यूटिलाइजेशन कितनी अपनी है? यूटिलाइजेशन अपनी हो जाएगी 0.008 ÷ 30 + 0.008, जो कि अपनी 0.00027, जो कि है अपनी 0.027%। ठीक इतनी यूटिलाइजेशन अपनी, अगर अपना एक पैकेट अपना 8000 बिट्स का है, मतलब कि एक के भी का मान ले, बहुत बहुत कम यूटिलाइजेशन है, बहुत कम। इसको बढ़ा कैसे सकते, यूटिलाइजेशन इसको अपन, का मतलब यही है ना कि जब तुम्हारा पहला बिट जाना शुरू हो गया, नहीं, जब तक तुम्हारा आखिरी बिट जा रहा है वो वाला टाइम, पहला बिट से जाना जाना शुरू होने तक आखिरी बिट तक जाने का टाइम अपॉन टोटल टाइम जितना लगेगा। ये ले ले परसेंटेज ऑफ द टाइम नेटवर्क इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन, ठीक है, ऐसा मान ले। तो अगर तेरा नेटवर्क, देख, तेरा 1 Gbps का भी हो गया, तो तेरी इफेक्टिव स्पीड कितनी हो गई? 1 Gbps × 0.027%, ये तेरी इफेक्टिव इंटरनेट की स्पीड होगी जो तेरे को मिल रही है। सही बात है, ठीक है। क्योंकि इतने परसेंट स्पीड के हिसाब से तू डाटा भेज पा रहा है इंटरनेट के ऊपर, और ये बहुत ज्यादा कम हो गया। कहाँ पे तेरे को 1 Gbps मिल रहा था, और कहाँ पे तेरे को इतना वो मिल रहा है। और ये स्टैंडर्ड पैकेट का साइज है 8 बाइट 1 KB का हो गया, या जो भी है, क्योंकि 15-18 बाइट्स का तो मैक्सिमम पैकेट साइज होता है, तार के ऊपर जो आ सकता है, तो ये सिमिलर ही हो गए। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है, अपने एक्नोलेजमेंट नंबर 012, एक्नोलेजमेंट नंबर 01 के कंसेप्ट को बढ़ा दो। तो क्या करो, पहला पैकेट भेजा, पहले पैकेट के एक्नोलेजमेंट का वेट करने की बजाय हम दूसरा पैकेट भेज रहे हैं, तीसरा पैकेट भेज रहे हैं, चौथा पैकेट भेज रहे हैं। कुछ टाइम के बाद हम रुक जाएंगे, क्या होगा, कुछ टाइम के बाद पहले का एक्नोलेजमेंट आएगा। जैसे ही इसका एक्नोलेजमेंट आएगा, मैं पैकेट नंबर 5 भेज दूंगा। जैसे ही इसका एक्नोलेजमेंट आएगा, मैं पैकेट नंबर 6 भेज दूंगा। जैसे ही अगले का आएगा, मैं पैकेट नंबर 7 भेज दूंगा। और जैसे ही इसका आएगा, मैं पैकेट नंबर 8 भेज दूंगा। पैकेट किसी का पैकेट के बैचेस में डील कर रहे हैं अब हम। हाँ, एक पैकेट की बजाय मल्टीपल पैकेट्स में हम डील कर रहे हैं। तो हमारा जो यूटिलाइजेशन है, यूटिलाइजेशन कितना हो गया? लेट से हम एक बार एक्स अमाउंट ऑफ पैकेट भेज रहे हैं, तो एक्स इंटू टी इनको वन एक हो डिवाइडेड जाएगा। बाई एक्स इंटू टी वन प्लस आर टी टी। आर टी टी अपना फिक्सड है, और बस हमारा जैसे जैसे हम एक्स बढ़ाते रहेंगे, हमारी यूटिलाइजेशन बढ़ती रहेगी। अपना काम खत्म। तो ठीक इसके है, दो पर प्रोटोकॉल कभी आते ऐसा हैं। नहीं होना चाहिए कि हम कोई नया, मतलब
एक्स इतना बड़ा ले लिया कि अभी हम भेज ही रहे हैं और किसी का एक्नॉलेजमेंट आ जाए। हाँ वो दिक्कत आएगी। इसको हैंडल हैंडल करने के दो तरीके हैं, एक होता है हमारा जीबीएन प्रोटोकॉल, एक होता है हमारा एसआर प्रोटोकॉल। इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे।